आज आपका मेरी वीडियो फिर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी बुलेट स्टैंडर्ड 350 कितना आपका खर्चा करवाएगी एनुअली, पूरे साल में कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर को एंड तक देखना अगर आपको जानना है कि आपकी बाइक कितना साल का खर्चा करवाती है आपका बुलेट स्टैंडर्ड 350। पेट्रोल का आपका इसमें बाइक में जो आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड करता है एवरेज पर, कि आपकी बाइक कितना एवरेज दे रही है उस पर सारा डिपेंड करेगा। तो उसका मैं थोड़ा थोड़ा मैंने रफली आइडिया लगाया है, जैसे कि अभी मेरी 6 महीने के अंदर 3000 चली, क्योंकि अभी ज़्यादा चलाई नहीं मैंने, किसी वजह से कहीं जा नहीं पाए हम। तो नॉर्मल एवरेज अगर कोई कंटिन्यूसली चलाता है तो ईयरली अगर उसका 12000 किलोमीटर हमने लगाया, मंथ का 1000 किलोमीटर अगर कोई बाइक को चलाता है तो एनुअली 12000 किलोमीटर चल जाती है उसकी बाइक। उसका छोटा छोटा मोटा मोटा खर्चा लगाया, मतलब कि अगर आपका 35000 रुपये 35 का एवरेज दे रही है आपकी बाइक, तो 12000 से उसको हमने डिवाइड करा और फिर इंटू करा, वो कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा मैं, उसको मैं वीडियो के उस पर डाल दूँगा वीडियो में, फिर आपको कैलकुलेशन दिखती रहेगी। तो 35 से डिवाइड करेंगे हम 12000 को, जितना आएगा उसे इंटू करेंगे। पेट्रोल का एवरेज प्राइस हमने 95 लगा लिया, जो सभी स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे हम 95 से जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है अराउंड 32,250 या 250 ऐसी कुछ बैठेगा, मतलब 32,050 रुपये आपका एक साल का खर्चा आने वाला है अगर आप बुलेट स्टैंडर्ड 350 ले रखी है। तो सिर्फ पेट्रोल पे आएगा इतना खर्चा अगर आप उसे एवरेज 1000 किलोमीटर चलाते हैं एक महीने में। तो उसके बाद ये हमारा सबसे मोटा खर्चा है। उसके बाद हमारा सर्विसिंग आती है सेकंड पॉइंट, उस पॉइंट को मैं अभी रुक के बताता हूँ, पहले अपने फ्रेंड के चल रहे हैं उसके घर पे आराम से बैठ के बात करेंगे, तो मिलते हैं वहाँ पर। सबके साथ और सबके प्रयास से 29 मार्च नहीं, अरे वो क्या कहते हैं नहीं ठीक है, फक यू फक यू सारी चीज़ें। पहले साल में आपको लेबर चार्ज नहीं देना होगा, पहली 4 से 5 सर्विस
आपको फ्री मिलती है बुलेट स्टैंडर्ड 350 में, तो वहाँ पे आपका लेबर चार्ज बच रहा है, उस वजह से आपकी सर्विसिंग में कॉस्ट कम है पहले साल में। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। जो हमारा फाइनल पॉइंट हमने रखा है, ये एमरजेंसी खर्चे के लिए रखा है, 4 से 5 हज़ार रुपये अगर आप कहीं जाते हैं, आपका टायर फट जाता है, कुछ हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी, मतलब नॉर्मल कुछ भी हो सकता है एक साल के अंदर, हम सिर्फ वो एमरजेंसी फंड की तरीके से हमें रोका है। 4 से 5 हज़ार रुपये उसके लगा सकते हैं आप, जो भी छोटी मोटी छोटे छोटे खर्चे आपके आते रहे बाइक में, उसके हमने पूरे साल के 4 से 5 हज़ार रुपये लगाए हैं। तो ये हमारे 3 मेन पॉइंट थे जिसका आपको सालाना खर्चा 40,000 के करीब एस्टिमेट हमारा आता है, ऊपर नीचे आप कर लीजिए 1-2 हज़ार में। तो ये हमारा साल का खर्चा आपका 40,000 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट आती है आपकी एक साल की बुलेट स्टैंडर्ड 350 को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं वीडियो में, अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताना ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। और यहीं पर आज के वीडियो को हम फिनिश करते हैं।